श्लोक नंबर 86 जारे जाय छे नचाव से तय छे करे नर्तने कहे छे नाचे के बा नचाय से नाही जाने। तो ये श्री सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु से कह रहे हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने जब सनातन गोस्वामी से कहा था कि तुम्हारा यह शरीर तुम्हारा नहीं है, तुमने इस शरीर को मुझे अर्पित कर दिया है, इसलिए तुम्हारे शरीर अब तुम्हारा नहीं रहा, ये दूसरे का हो गया, अर्थात मेरा हो गया, और मेरे शरीर को तुम कैसे त्याग सकते हो। तो उसके उत्तर में श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं कि आप कठपुतली की तरह जिस प्रकार नचाते हैं जीव उसी प्रकार नचता है। तो कौन जीव कैसे नाचता है, उसको कौन नचाता है, यह कोई नहीं जानता। हरिदास कहे प्रभु सुना हरिदास परे रद्रव्य चाहे न करिते विनाश। तो चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से कहा कि हरिदास ये सुनो, क्योंकि हरिदास ठाकुर साथ में थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से कहा कि हरिदास सुनो, ये सनातन दूसरे का द्रव्य नष्ट कर देना चाहता है। परे रस्थाप्य द्रव्य के हो न खायो बिलाय निषेधियो यहाँ रे जन न करे अन्न। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये शास्त्र विधि है और धर्म नीति भी यही कहती है कि जो दूसरे का द्रव्य है, तो मान लीजिए किसी ने हमें हमारे पास कुछ धन रखा है, तो हमारा कर्तव्य क्या है कि हम उस धन को वितरित नहीं कर सकते अपना मन कर, और ना ही अपने उपयोग में ला सकते हैं। कोई यदि सोचेगा कि हाँ मेरे पास तो धन उसने रखा है, हम दूसरों को दे दें या स्वयं खर्च कर लें, तो ये नीति विरुद्ध है। किसने यदि हमारे पास अपना धन रखा है, तो हमारा कर्तव्य है कि तो उसी को धन को उसी प्रकार सुरक्षित रखना, ना तो किसी को देना है ना स्वयं व्यवहार करना है। ये शास्त्र नीति और धर्म नीति है। तो सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरा द्रव्य मेरा धन उसको हमने सौंपा है, क्योंकि उस शरीर मुझे अर्पित कर दिया तो मेरा हो गया, और मेरा वो धन हो गया सनातन का शरीर, तो ये शरीर उसका उसको हमने सौंपा है उसको यत्नपूर्वक रखने के लिए, और ये उसको नष्ट कर देना चाहता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तुम यह सनातन गोस्वामी को समझाओ, ये अन्याय जैसे नहीं कर उसको नहीं करना चाहिए, मेरे द्रव्य उसको नष्ट करना चाह रहा। हरिदास कहे मिथ्याभिमान करे तुम्हार गंभीर हृदय बुझते न परी। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि
जो संसारी जीव हैं ये अपने शरीर को लेकर मिथ्या अभिमान करते हैं, मैं और मेरा करते रहते हैं, किंतु आपका जो गंभीर हृदय है, गंभीर हृदय, उसको कोई समझ नहीं पाता। कौन कौन कार्य तुम्हें कर कौन द्वारे, तुम्हें ना जानाई ले के जानते ना पारे। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि आप किसके द्वारा कौन सा कार्य करेंगे ये कोई नहीं जान सकता जब तक आप उसको नहीं बताएंगे। एतादृश तुम्हें हारे करिया छ अंगीकार, ये तो सौभाग्य यहाँ न हो कार। तो चैतन्य महाप्रभु तो कह रहे कि हरिदास ठाकुर इसको समझा ये अन्याय कर रहा है, किंतु हरिदास ठाकुर प्रशंसा कर रहे हैं सनातन गोस्वामी। तो कह रहे हैं कि आप जब कह रहे हैं कि सनातन गोस्वामी का शरीर आपका है, क्योंकि उस उन्होंने समर्पण कर दिया है आपके चरण में अपने को और अपने शरीर को, अपने मन को, तन मन और धन सब कुछ समर्पित, वाणी भी समर्पित है भगवान की सेवा। तो चैतन्य महाप्रभु इसलिए कह रहे हैं कि सनातन का शरीर अब मेरा हो गया, उसने समर्पण कर दिया। तो हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि आपने सनातन गोस्वामी के शरीर को अंगीकार किया है, ये सनातन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो हो सकता है कोई भगवान के चरण में अपने को समर्पित करे और भगवान स्वीकार नहीं करे, तो उसका दुर्भाग्य है, किंतु सनातन गोस्वामी का सौभाग्य है कि उन्होंने किया है चैतन्य महाप्रभु के चरणों में और चैतन्य महाप्रभु ने उसको स्वीकार किया है। क्योंकि चैतन्य स्वयं कह रहे हैं कि ये मेरा शरीर है, ये नष्ट करना चाह रहा है, तो इसका अर्थ है चैतन्य स्वीकार कर रहे हैं। तो इसलिए हरिदास ठाकुर सनातन गोस्वामी के सौभाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं कि सनातन का कैसा सौभाग्य है कि चैतन्य महाप्रभु ने उसके शरीर को अपना मान रहे। तबे महाप्रभु करी दुहारे आलिंगन, मध्यान करिते उठे करिला गमन। तब चैतन्य महाप्रभु ने कुछ नहीं कहा जब हरिदास ठाकुर ने इस प्रकार कहा। इसका अर्थ है कि मौनं सम्मति लक्षणम। तो चैतन्य महाप्रभु मौन रहे, कुछ बोले नहीं, इसका अर्थ तो उन्होंने स्वीकार किया हरिदास ठाकुर जो कह रहे थे। तो उसके पश्चात चैतन्य महाप्रभु ने दोनों का आलिंगन किया, हरिदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी का। और हमें यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अभी तक सनातन गोस्वामी का कंडरोग दूर नहीं हुआ है, उनके शरीर से ऐसे घाव हैं शरीर में और उससे रसा निकल रहा है, पियो निकल रहा है, फिर भी चैतन्य में बार बार आलिंगन कर रहे हैं सनातन गोस्वामी उनके शरीर को, और दोनों को आलिंगन करके चैतन्य महाप्रभु मध्यान करने के लिए चले गए। सनातन कहे हरिदास करी आलिंगन, तुम्हार भाग्य रसीमा न जय कथन। तो सनातन गोस्वामी को आलिंगन करके हरिदास ने पुनः आलिंगन किया सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु चले जाने के बाद, और आलिंगन करके सनातन गोस्वामी से कहते हैं कि तुम्हारे जो भाग्य हैं, भाग्य की सीमा, उसको कोई नहीं बता सकता, तुम कितने सौभाग्यशाली हो। तुम्हार देह कहे न प्रभु मोरो निज धन, तुम्हार सम भाग्यवान नहीं को न जाना। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु तुम्हारे शरीर को अपना धन मान रहे, तो तुम्हारे समान
सौभाग्यशाली व्यक्ति संसार में कौन हो सकता है? निज देह जे कार्य न पारेन करिते से कार्य कराइबे तमान से हो मथुराते। तो चैतन्य महाप्रभु अपने शरीर के द्वारा जो कार्य नहीं कर सकते वो कार्य तुम्हारे शरीर के द्वारा वो मथुरा में कराना चाहते हैं। जे कराइते चाहे सर सही सिद्ध तुम्हारा सौभाग्य कहिलो निश्चय। तो हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान स्वयं जो कार्य करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं वस्तुतः वो सफलतापूर्वक संपन्न हो सकता है, क्योंकि ये भगवान की इच्छा है। भगवान को सत्य संकल्प कहा गया है। तो भगवान जब संकल्प करते हैं अर्थात तो इच्छा करते हैं वो सत्य में परिणत होता है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु इच्छा कर रहे हैं सनातन गोस्वामी के द्वारा जो कार्य मथुरा में करने के लिए वो अवश्य सिद्ध होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि ये भगवान की इच्छा है। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं इसलिए तुम्हारे सौभाग्य का वर्णन हम नहीं कर सकते। भक्ति सिद्धांत शास्त्र आचार निर्णय तुम्हारा द्वारा कराइबे न बुझलू आशय। तो हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु तुम्हारे द्वारा भक्ति सिद्धांत की स्थापना करेंगे और शास्त्र का जो आचार है उसका भी निर्णय करेंगे तुम्हारे द्वारा, अर्थात शास्त्र का जो विधि विधान। तो मैं इससे चैतन्य महाप्रभु ने जिस प्रकार कहा इससे मैं यही समझ सकता हूँ कि चैतन्य महाप्रभु ये सारे कार्य तुम्हारे द्वारा कराना चाहते हैं। आमारे देह प्रभुर कार्य ना लागला भारत भूमि ते जन्मी यही देह व्यर्थ आयला। तो हरिदास ठाकुर अपने दुर्भाग्य की बात कह रहे हैं, सनातन गोस्वामी के सौभाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं कि सनातन गोस्वामी का शरीर चैतन्य महाप्रभु के काम में आएगा। चैतन्य महाप्रभु ने जब स्वीकार किया है उनके शरीर को, किंतु अपने बारे में कह रहे हैं कि हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा यह शरीर चैतन्य महाप्रभु के किसी काम में नहीं आया। तो भारत भूमि तो जन्मी यही देह व्यर्थ है। तो भारत भूमि में जन्म लेने के पश्चात भी मेरा यह शरीर व्यर्थ हो गया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के कार्य में लगा नहीं। हरिदास ठाकुर कह रहे तो जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि भारत भूमि ते मनुष्य जन्म है लजार जन्म सार्थक कर पर उपकार। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जिसका भारत भूमि में जन्म हुआ है वो बहुत सौभाग्यशाली है, क्योंकि भारत भूमि जो है पुण्य भूमि है, इसलिए इस यहाँ पर जो जन्म ग्रहण करता है वो सौभाग्यशाली है और उसका कर्तव्य है कि वो अपने जन्म को सार्थक करे। और किस प्रकार सार्थक करे? दूसरों का उपकार करे। और दूसरों का उपकार क्या है? दूसरों को कृष्ण चेतना प्रदान करना, कृष्ण का भक्त बनाना, ये सबसे बड़ा उपकार है। तो ये चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, किंतु हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि मेरा दुर्भाग्य है भारत भूमि में मेरा जन्म तो हुआ किंतु ये शरीर चैतन्य महाप्रभु के काम में नहीं आया, ये जन्म मेरा व्यर्थ हो गया, ये शरीर है
इस शरीर ग्रहण किया हमने, ये व्यर्थ हो गया, व्यर्थ शरीर। तो भारतपुर में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि तात्पर्य में भारतपुर में जो जन्म लेते हैं उनका सौभाग्य इसलिए है कि भारतपुर में जन्म लेने का अर्थ है कि व्यक्ति स्वाभाविक रूप से कृष्ण चेतनशील हो जाता है, क्योंकि जन्म से ही उसको संस्कार प्राप्त होता है परिवार से, समाज से, और यहाँ तक कि वो जन्म से राम कृष्ण का नाम सुनता रहता है, घर पर भगवान की पूजा होती है, मंदिर में पूजा होती है, तो बचपन से व्यक्ति मंदिर में जाता है, घर पर पूजा में अंशग्रहण करता है, रामायण महाभारत का श्रवण करता है, तो ये सब अवसर हैं कृष्ण चेतनशील बनने के लिए, कृष्ण का भक्त बनने के लिए। जो भारत भूमि में जन्म ग्रहण करता है उसको ये अवसर प्राप्त होता है, किंतु दूसरे देश में जो जन्म होता है उसको ये अवसर प्राप्त नहीं है। इसलिए भारत भूमि में जन्म ग्रहण करता है उसका सौभाग्य कि विदेश के लोगों को भक्त बनाने के लिए प्रभुपाद ने कितना परिश्रम किया। तो इतने सरल रूप में वो भक्त नहीं बने, जबकि आजकल भारत के लोगों को भी भक्त बनाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, सरलता पूर्वक नहीं बनते, जबकि संस्कार उनको प्राप्त है। तो फिर विदेश के जो लोग हैं उनको संस्कार भी नहीं है, वो कुछ जानते नहीं है, महाभारत रामायण या श्रीमद् भागवत के संबंध में कोई ज्ञान नहीं है, तो उनको भक्त बनाना बहुत कठिन कार्य है। इसलिए प्रभुपाद ने विदेशी लोगों को भक्त बनाकर ये असंभव कार्य को संभव कर दिया। सनातन कहत मासम के बाछ आना महाप्रभु गणित में महाभाग्यवान। तो जब हरिदास ठाकुर ने सनातन गोस्वामी की प्रशंसा की तब सनातन गोस्वामी ने हरिदास ठाकुर की प्रशंसा की, दोनों दोनों की प्रशंसा कर रहे हैं। ये नहीं है कि हरिदास ठाकुर ने सनातन गोस्वामी की प्रशंसा की और सनातन गोस्वामी ने सोचा कि हाँ आप जो कह रहे हैं सब ठीक हैं, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, चैतन्य महाप्रभु की कृपा मुझे प्राप्त है। तो सनातन गोस्वामी ने ऐसा नहीं कहा। जब हरिदास ठाकुर ने उनकी प्रशंसा की तो वो हरिदास ठाकुर की प्रशंसा करने लगे। तो कहते हैं कि आपके समान इस संसार में कौन है, क्योंकि आप चैतन्य महाप्रभु के गणों में एक हैं। चैतन्य महाप्रभु के जो निजी जन हैं, पार्षद गण हैं, उनमें से आप एक हैं, इसलिए आप मुझसे भी अधिक सौभाग्यशाली है, सनातन गोस्वामी कह रहा। अवतार कार्य प्रभु रा नाम प्रचारे से ही निज कार्य प्रभु करें तुम्हार द्वारे। तो हरिदास ठाकुर ने कहा था कि मेरा जीवन व्यर्थ हो गया चैतन्य महाप्रभु के किसी कार्य में मेरा शरीर लगा नहीं। अब सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु का ये अवतार हुआ है हरिनाम का प्रचार करने के लिए, और इस प्रकार हरिनाम के माध्यम से जो पतित जीव हैं उनका उद्धार करने के लिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो अपना कार्य है हरिनाम प्रचार, हरिनाम के माध्यम से लोगों का उद्धार करना, तो वो कार्य वो आपके द्वारा कर रहे हैं, सनातन गोस्वामी कह रहे हैं। प्रत्यह करति न लख्य नाम संकीर्तन सवार आगे करना मेरा महिमा कथन। तो
सनातन गोस्वामी ने बताया कि चैतन्य महाप्रभु का कार्य वो कैसे कर रहे हैं, जो नाम प्रचार का कार्य। तो कहते हैं कि आप स्वयं प्रतिदिन 300,000 नाम करते हैं और जो कोई आपके पास आता है तो आप क्या करते हैं, सभी के सामने आप भगवान के नाम की महिमा का व्याख्यान करते हैं, उसको सुनाते हैं, नाम की महिमा के बारे में बताते हैं। आपने आचरे के हो ना करे प्रचार, प्रचार करे न के हो ना करे नाचार। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि संसार में देखा जाता है कि कोई व्यक्ति बहुत आचरण अच्छा तो करता है किंतु प्रचार नहीं करता, वो अपना भजन करता रहता है, दूसरों से कोई मतलब नहीं, प्रचार नहीं कर रहा, किंतु आचार उपाय अपना ठीक है। और कोई प्रचार कर रहा है उसका आचार नहीं है ठीक, ऐसा देखा जाता है। बहुत सारे लोग, लोगों को तो बड़ी बड़ी बात बताते हैं, ऐसा करना ये करना उपदेश देते रहते हैं किंतु स्वयं आचरण नहीं करते। तो प्रचार कर रहे हैं किंतु आचार नहीं। आचार प्रचार ता नामेर करह दुई कार्य, तुम्हें सर्वगुरु तुम्हें जगत आर्य। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि आप दोनों कर रहे हैं, आचार भी कर रहे हैं और प्रचार भी कर रहे हैं। आचार क्या है कि आप 300,000 नाम स्वयं जप करते हैं प्रतिदिन, और प्रचार क्या कर रहे हैं कि आप जिसको देखते हैं नाम की महिमा का प्रचार कर रहे हैं। तो इसलिए स्वयं नाम लेते हैं और नाम की महिमा का प्रचार करते हैं, इसलिए आचार प्रचार दोनों आप कर रहे हैं, इसलिए आप सारे जगत के आचार्य हैं, नामाचार्य, नाम के आचार्य। तो श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, यहाँ पर सनातन गोस्वामी प्रामाणिक जगत गुरु की स्पष्ट परिभाषा देते हैं। इस संबंध में जो योग्यताएं बताई गई है वे ये हैं, व्यक्ति शास्त्रीय आदेशों के अनुसार कार्य करें और उसी के साथ साथ प्रचार करें। जो ऐसा करता है वही गुरु है। यदि कोई केवल उपदेश देता है स्वयं आचरण नहीं करता है तो गुरु नहीं बन सकता या आचार्य नहीं बन सकता। हरिदास ठाकुर आदर्श गुरु थे क्योंकि वे नियत संख्या में नित्य नाम जप करते थे। निस्संदेह ये प्रतिदिन 300,000 नाम जप करते थे। इसी तरह कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अनुयायी प्रतिदिन कम से कम 16 माला जप करते हैं, जिसे बिना कठिनाई के किया जा सकता है। उसी के साथ साथ उन्हें भगवत गीता यथारूप के उपदेश के अनुसार चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का प्रचार करना चाहिए। जो ऐसा करता है वो जगत गुरु बनने के लिए उपयुक्त होता है। मत दुई जन नाना कथा रंगे, कृष्ण कथा स्वादय रही एक संगे। तो इस प्रकार दोनों हरिदास ठाकुर सनातन गोस्वामी भगवान की, कृष्ण की तरह तरह की कथाएं, कथाओं के बारे में चर्चा करते रहे और इस प्रकार कृष्ण कथा का आस्वादन एक साथ करते रहे। यात्रा काले आयला सब गौड़ेर भक्तगण, पूर्वावत कैला सब रथ यात्रा दर्शन। तो जब रथ यात्रा के समय गौड़ देश से
भक्तगण रथ यात्रा का दर्शन करने के लिए आए, जैसे हर साल आते थे। रथ अग्रे प्रभु तैसे करिला नर्तन, देखी चमत्कार है लो सनातने रमन। और रथ यात्रा के समय चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को साथ लेकर जिस प्रकार रथ के सामने नृत्य किया था, उदंड नृत्य, उसको देखकर सनातन गोस्वामी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं था चैतन्य महाप्रभु का रथ के सामने ये उदन हो। वर्षा चारि मास रहिला सब निज भक्त गणे, सबे सभा संगे प्रभु मिला इला सनातने। तो ये जो बंगाल से आते थे भक्त लोग प्रतिवर्ष रथ यात्रा के समय, उससे पहले तो ये चार महीना रुकते थे, जो चतुर्मास्या का समय है वो रुकते थे पुरी में, उसके पश्चात वो चले जाते थे गौड़देश में। तो चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों से सनातन गोस्वामी को मिलवाया। अद्वैत नित्यानंद श्रीवास वक्रेश्वर वासुदेव मुरारी राघव दामोदर, पुरी भारती स्वरूप पंडित गदाधर, सर्वम रमानंद जगदानंद शंकर, काशीश्वर गोविंदादि जत भक्तगण, सवासने सनातने र कराइला मिलन। जथा यज्ञ कराइल सवार चरण वंदन, तारे कराइला सवार कृपार भाजन। तो इन सारे भक्तों से श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को मिलवाया, और सनातन गोस्वामी ने यथा योग्य जिसको प्रणाम करना है, किससे गले मिलना है, यथा योग्य उन्होंने सम्मान प्रदर्शन किया सारे भक्तों को, और सारे भक्तों ने आशीर्वाद दिया सनातन गोस्वामी। तो चैतन्य महाप्रभु ये करा रहे हैं, चैतन्य वो चाह रहे हैं, उन्होंने तो आशीर्वाद दिया है सनातन गोस्वामी को, किंतु सारे वैष्णवों से भी आशीर्वाद दिला रहे हैं सनातन गोस्वामी कि सारे वैष्णवगण भी कृपा करें सनातन गोस्वामी के ऊपर, और चैतन्य महाप्रभु ने जो आदेश दिया है उनको वृंदावन में जो कार्य करने के लिए, उसमें सनातन गोस्वामी सफल हों, ये चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य था। इसलिए केवल भगवान का आशीर्वाद हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, कभी कभी भक्त लोग सोचते रहते हैं, जो कनिष्ठ भक्त होते हैं ये भगवान की पूजा करते हैं, विग्रह की पूजा तो करते हैं और भगवान को तो मानते हैं, उनकी उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं, किंतु दूसरे भक्तों को सम्मान नहीं देते। तो ऐसे भक्तों को कनिष्ठ भक्त कहा गया है। तो इस भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए भगवान के आशीर्वाद के साथ साथ भक्तों का, वैष्णवों का आशीर्वाद भी आवश्यक है। केवल भगवान के आशीर्वाद से नहीं होगा। सद्गुणे पंडित पांडित्य सवार प्रिय सनातन, यथा यज्ञ कृपा मैत्री गौरव भाजन। तो सनातन के समय अपने पांडित्य और उत्तम गुणों के कारण हर भक्त को प्रिय थे, इसलिए उन लोगों ने उन्हें योग्यता के अनुसार कृपा मित्रता तथा सम्मान प्रदान किया, जिसको जैसा योग्य है। तो कृपा किस पर की जाती है, जो हाँ जो कनिष्ठ है
उन पर कृपा की जाती है। और मित्रता जो समकक्ष है उनके साथ मित्रता की जाती है, और हमसे जो कनिष्ठ हैं उनके प्रति कृपा, और जो हमसे वरिष्ठ हैं उनके प्रति सम्मान आदर, ऐसा व्यवहार होना चाहिए वैष्णव। जब भक्त इस प्रकार व्यवहार करेगा वैष्णव समाज में, तो वो स्वयं सुखी हो सकता है और सभी लोग सुखी हो सकते हैं। और इस व्यवहार में कहीं अगर त्रुटि हो तो फिर वैष्णव समाज में ये आशंका उत्पन्न हो जाती है कुछ दोष की आशंका उत्पन्न होती है, दोष उत्पन्न हो जाता है, और आपस में मन मुटाव ये भी हो जाता है। यदि हम केवल इस नियम का पालन करें कि हमसे जो गुरुजन हैं सम्माननीय हैं उनको हम सम्मान प्रदर्शन करें, और हमारे जो समकक्ष हैं उनके प्रति मित्रता का भाव रखें, और हमसे जो कनिष्ठ हैं उनके प्रति कृपा प्रदर्शन करें, उनको स्नेह करें, जिससे कि वो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, और उनको बताएं कि कृष्ण चेतना में कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं। सकल वैष्णव जबे गौड़ देशे गला, सनातन महाप्रभुर चरणे रहिला। जब रथ यात्रा उत्सव के बाद अन्य सारे भक्त बंगाल लौट गए, तो सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ या उनके चरण कमलों में या चरण कमलों की संरक्षण में रहने लगे। दोल यात्रा आदि प्रभुर संगते देखिल, दिने दिने प्रभु संगे आनंद बाढ़िल। तो सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ दोल यात्रा और अन्य उत्सव जगन्नाथ जी का ये सब दर्शन किया। तो चैतन्य महाप्रभु के संग के कारण सनातन गोस्वामी का आनंद दिनों दिन बढ़ता गया, वो आनंद अनुभव कर रहे थे। पूर्वे वैशाख मास सनातन जब आयला, ज्येष्ठ मासे प्रभु तारे परीक्षा करेला। तो सनातन गोस्वामी वैशाख महीने में आए थे नीलाचल, पुरी आए थे, और ज्येष्ठ महीने में चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी की परीक्षा ली। तो यद्यपि सनातन गोस्वामी इतने प्रिय थे चैतन्य महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु का बहुत प्रिय भक्त थे, चैतन्य महाप्रभु जिसके जिनके शरीर को अपना मान रहे थे, फिर भी चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी की परीक्षा ले रहे हैं। किसकी परीक्षा? उनकी भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं, उनके आचरण की परीक्षा ले रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि भगवान और गुरु ये दोनों भक्त और शिष्य की परीक्षा लेते रहते हैं हर समय, ये जानने के लिए कि भक्त या शिष्य कहाँ तक उसने उन्नति की है भक्ति मार्ग में, उसके आचरण कितना सुधरा, वो कितनी शिक्षाएं उसने ग्रहण की है,
ये जानने के लिए परीक्षा ली जाती है। जिस प्रकार हम जब स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो हमको सेमेस्टर परीक्षा देनी पड़ती है, हर 3 महीने में 6 महीने तो परीक्षा देनी पड़ती है। नहीं, पहले तो 6 महीना था ना सेमेस्टर, कितने में 3 महीना 6 महीने। अच्छा, इन्हें जो भी हो तो परीक्षा देनी पड़ती है, उससे हम कहाँ तक हमने शिक्षा ग्रहण की है ये पता चलता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी परीक्षा ली सनातन गोस्वामी। ज्येष्ठ मासे प्रभु जमेश्वर टोटा आइला, भक्त अनुरोधे तहाँ भिक्षा दे करिला। तो ये ज्येष्ठ महीने की बात है, जब चैतन्य महाप्रभु वो जमेश्वर टोटा गए थे, अर्थात जहाँ यमेश्वर महादेव का मंदिर है उसके आसपास का जो वन है उसको यमेश्वर टोटा कहा जाता है, जहाँ पर आजकल गोपीनाथ जी का मंदिर है, टोटा गोपीनाथ। तो वो एरिया जो है ये यमेश्वर टोटा है, क्योंकि टोटा गोपीनाथ मंदिर के पास ही यमेश्वर मंदिर है शिव जी का। भक्त अनुरोध तहाँ भिक्षा कर, तो चैतन्य महाप्रभु ने वहीं पर, इसका अर्थ है कि टोटा गोपीनाथ में, तो भक्तों के अनुरोध से चैतन्य महाप्रभु ने दो द्विपहर का प्रसाद वहीं पर लिया भिक्षा ग्रहण की। मध्यान्न भिक्षा काले सनातने बुलाइला, प्रभु बुलाइला तार आनंद बढ़िला। तो जब मध्यान्न के समय चैतन्य महाप्रभु वहाँ यमेश्वर तटा अर्थात तोटा गोपीनाथ में भिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो उन्होंने सनातन गोस्वामी को बुलाया। उसी समय ये समाचार भेजा कि सनातन गोस्वामी वहाँ पर आए। ये दोपहर का समय था और महीना क्या था, ज्येष्ठ महीना। ज्येष्ठ महीने में दोपहर के समय चैतन्य महाप्रभु ने बुलाया सनातन गोस्वामी, और सनातन गोस्वामी कहाँ पर था, हरिदास ठाकुर के पास। तो वहाँ से उनको आना था यमेश्वर तोटा अर्थात तोटा गोपीनाथ। तो जब सनातन गोस्वामी ने सुना कि चैतन्य महाप्रभु उनको बुला रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से सनातन गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो गए। यदि कभी कभी हम लोग भी ऐसा अनुभव करते हैं कि यदि हमारे गुरुदेव हमको बुलाते हैं तो हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि हम बहुत स्पेशल हैं। तो सनातन गोस्वामी को थोड़ा आनंद आया कि चैतन्य महाप्रभु बुला रहे हैं। मध्यान्ह समुद्र वालो है आंसे अग्नि समा, से पथे सनातन करिला गमन। तो हरिदास ठाकुर का जो भजन कुटीर था सिद्ध बकुल, वहाँ से सनातन गोस्वामी को टोटा गोपीनाथ आना था। टोटा गोपीनाथ जाने के लिए दो रास्ता है वहाँ से, एक तो वहाँ से जगन्नाथ मंदिर होकर टोटा गोपीनाथ जा सकते हैं, और दूसरा रास्ता है वहाँ से फिर समुद्र के किनारे होकर टोटा गोपीनाथ जा सकते हैं। तो सनातन गोस्वामी ने चुना समुद्र के मार्ग से जाने के लिए टोटा गोपीनाथ। और उस समय क्योंकि ज्येष्ठ महीना और दोपहर का समय था, तो समुद्र के किनारे जो बालू हैं वो बहुत उत्तप्त था, बहुत गर्म था,
तो समुद्र तट की जो बालू है वो बहुत गर्म थी है? और सनातन गोस्वामी यहाँ पर कह रहे हैं कि अग्निशम पूरा आग जैसे वो बालू जल रही थी, क्योंकि बहुत गर्मी का दिन था। और सनातन गोस्वामी उसी मार्ग में होकर गए तोटा के पिनर। प्रभु बलाया छई आनंदित मने, तप्त बालू का ते पा पड़े ता नहीं जाने। तो जब सनातन गोस्वामी निकले हैं तो बहुत आनंदित होकर निकले हैं कि चैतन्य महाप्रभु उन्हें बुला रहे हैं। और ये सोचते हुए आनंदित होकर जाते जाते जब समुद्र के तट पर वो बालू में होकर जाते थे, उनका पांव के तलवा वो जल रहा था, क्योंकि बहुत उत्तप्त बालू थी, गर्म बालू, वो जल रहा था और जलकर फफले पड़ रहे थे। किंतु सनातन गोस्वामी को पता नहीं चल रहा था, क्योंकि वो इतने आनंद में मग्न थे और चैतन्य महाप्रभु के बारे में सोच रहे थे कि उनका पांव जल रहा है उनको पता नहीं। दुई पाए फुसका हैला तबु गेला प्रभु स्थाने, भिक्षा करी महाप्रभु करी अच्छे न विश्रामे। तो सनातन गोस्वामी के दोनों पाँव में फुफले पड़ गए और उसी अवस्था में वो गए चैतन्य महाप्रभु के पास। और उस समय देखा कि चैतन्य महाप्रभु भिक्षा ग्रहण करने के पश्चात वो विश्राम कर रहे हैं। भिक्षा वशेष पात्र गोविंद तारे दिया दिला, प्रसाद पाया सनातन प्रभु पास आयला। तो जब सनातन गोस्वामी वहाँ पहुँच गए और चैतन्य महाप्रभु भोजन कर चुके थे, तो उनका जो प्रसाद बचा था गोविंद ने सनातन गोस्वामी को प्रसाद दिया खाने के लिए, चैतन्य महाप्रभु का अवशिष्ट प्रसाद। तो प्रसाद लेकर चैतन्य महाप्रभु के चैतन्य महाप्रभु विश्राम कर रहे थे, तो सनातन गोस्वामी प्रसाद लेने के बाद वो गए। चैतन्य महाप्रभु के पास गए सनातन गोस्वामी। प्रभु कहे कौन पथे आयला सनातन, तेहां कहे समुद्र पथे करिलो आगमन। तो चैतन्य महाप्रभु तो परीक्षा ले रहे थे सनातन गोस्वामी की, तो उन्होंने पूछा कि सनातन गोस्वामी तुम किस मार्ग से होकर आए। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि हम समुद्र पथ में आए। प्रभु कहे तप्त बालुकाते के मने आईला, सिंह द्वारे पथ शीतल केने ना आईला। तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रश्न किया सनातन गोस्वामी से कि समुद्र के तट पर होकर तुम आए हो, तो वहाँ तो बालू बहुत उत्तप्त होगी, बहुत गर्म होगी, तो उस गर्म बालू में चलकर तुम कैसे आए और तुम उधर क्यों आए? तुम तो सिंह दरवाजे के रास्ते में, सिंहद्वार के रास्ते में वहाँ शीतल है, वहाँ तो बालू नहीं है, इसलिए वहाँ गर्म नहीं है, तो उस रास्ते में तुम ना आकर इस रास्ते में क्यों आए? तप्त बालुकाय तुम्हार पायो है व्रण, चलित न पार के मने करिला सहन। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि तुम तो गरम बालू में चल कर के आए हो, इसलिए फुफले पड़ गए हैं, और अब तुम चलने में अक्षम हो, चल नहीं पा रहे हो,
फुफले पड़ गए हैं और उसमें दर्द हुआ है तुम्हारा पाँव, इसलिए तुम चल नहीं पा रहे हो, तो तुमने कैसे सहन किया ये कष्ट? सनातन कहे दुख बहुत ना पाइलू, पाए प्रण है यहाँ से तहा ना जानिलू। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि ये फुफले तो पड़ गए हैं लेकिन बहुत कष्ट नहीं हुआ है, थोड़ा हुआ है, और ये कब ये फुफले पड़ गए मुझे पता भी नहीं चला। सिंह द्वारे जाते मोर नहीं अधिकार, विशेष ठाकुर तहाँ सेवके प्रचार। तो सनातन गुस्से में कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने प्रश्न पूछा था कि तुम इस रास्ते में क्यों आए, सिंहद्वार के रास्ते में क्यों नहीं आए। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि सिंहद्वार के रास्ते में आने का मेरा अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? कहते हैं कि विशेष रूप से सिंह दरवाजे के पास सब जगन्नाथ जी के सेवक आना जाना करते हैं, सेवक गतागति करे नहीं अवसर, तार स्पर्श है ले सर्वनाश होवे मोर। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि जगन्नाथ जी के सेवकगण वहाँ हर समय आते जाते रहते हैं सिंह दरवाजे के पास, इसलिए मैं यदि उस रास्ते में होकर आता तो उनका स्पर्श हो जाता मुझसे, तो ये लोग अपवित्र हो जाते मेरे स्पर्श से, और जगन्नाथ जी के सेवकों को अपवित्र करने का पाप मुझे लगता, इसलिए मेरा सर्वनाश हो जाता। तो सनातन गोस्वामी यद्यपि ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे और उच्च ब्राह्मण परिवार, उच्च कुल के, फिर भी अपने को अत्यंत पतित और म्लेच्छ यवन मान रहे थे, क्योंकि यवनों की संगति उनकी हुई थी, मुसलमान दरबार में मुसलमान राजा के अधीन वो नौकरी कर रहे थे, इसलिए अपने को म्लेच्छ पतित मान रहे थे। जबकि उनको कोई, यदि वो चाहते तो जगन्नाथ मंदिर में जा सकते थे, उनको कोई मना नहीं कर सकता था, क्योंकि वो ब्राह्मण परिवार में जन्मे हैं, चाहे किसी का संग क्यों ना हो। किंतु अपने आप अपने को नीच मानकर सनातन गोस्वामी गए नहीं मंदिर में, और मंदिर में जाने की बात तो दूर, यहाँ तक कि सिंह दरवाजे के पास होकर भी नहीं गए, और यही भय था कि जगन्नाथ जी के सेवक से उनका स्पर्श हो जाएगा और उनका पाप होगा। इसे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं उनको परम शुद्ध रहना आवश्यक है। वो अर्चा विग्रह के सेवा के समय या सेवा करने के लिए जाते समय अन्य किसी का स्पर्श न करे, क्योंकि दूसरे लोग पवित्र नहीं होते हैं। तो जब भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं, ये जब स्पर्श करेंगे वो भी अपवित्र हो जाएंगे, क्योंकि पता नहीं कौन किस अवस्था में है, इसलिए उनको हर तरह से शुद्ध रहना आवश्यक है और किसी का स्पर्श नहीं करना। तो सनातन गोस्वामी इसलिए उस रास्ते में नहीं आए कि सेवकों का स्पर्श हो जाएगा उनसे, और इससे उनका पाप होगा और पाप से सर्वनाश हो जाएगा। सुने महाप्रभु मने संतोष पाइला, दुष्ट यहाँ तारे किछु कहते लगेला। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी की
विनम्रता देखी कि यद्यपि बहुत बड़े विद्वान पंडित हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, फिर भी कितनी विनम्रता है, अपने को कितना अधम पतित मान रहे हैं कि जगन्नाथ जी के सेवकों का स्पर्श हो जाएगा इसलिए सिंह दरवाजे होकर नहीं आए, किंतु समुद्र तट होकर आए जिसमें उनके पाँव में फुफले पड़ गए और उस कष्ट को भी उन्होंने सहन किया, किंतु सिंह दरवाजे के मार्ग में नहीं आए। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं सनातन गोस्वामी से, यद्यपि हो तुम्हें हो यद्यपि हो तुम्हें हो जगत पावन तुम्हा स्पर्श पवित्र है देव मुनि गण। तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा कि यद्यपि तुम सारे जगत को उद्धार करने में समर्थ हो और तुम्हारे स्पर्श से यहाँ तक कि देवता मुनि ये भी पवित्र हो सकते हैं, तुम्हारा शरीर इतना पवित्र है कि तुम सारे जगत का उद्धार कर सकते हो और देव मुनि भी पवित्र हो सकते हैं, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण मर्यादा पालन हय माधुर साधुर भूषण। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि फिर भी यद्यपि तुम जगत पावक हो, जगत को उद्धार करने वाले हो, और तुम्हारे स्पर्श देव मुनि भी पवित्र हो जाते हैं, फिर भी ये भक्त का स्वभाव है। कि भक्त का स्वभाव क्या है कि भक्त हर स्थिति में अपनी मर्यादा की रक्षा करता है, वो कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। और जब भक्त मर्यादा का पालन करता है, यही वस्तुतः साधु या भक्त का भूषण भी है, अलंकार। जो भक्त अपनी मर्यादा का पालन करता है वो उस भक्त के लिए अलंकार बन जाता है वो मर्यादा। मर्यादा लंघन लोक करे उपहास इहा लोक परलोक दुहि है नाश। और यदि कोई भक्त मर्यादा का लंघन करता है तो लोग उसका उपहास करते हैं। मान लीजिए कोई साधु वैरागी हैं किंतु भोग में लिप्त है तो लोग उपहास करेंगे क्योंकि मर्यादा का लंघन होता है। और उसका क्या होता है, लोग तो उपहास करेंगे, वो जो भक्त हैं उसका यह लोक परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। मर्यादा रखिले तुष्ट कैले मोर मन तुम्ही ऐसे ना करिले करे कौन जाना। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं तुमने मर्यादा का पालन किया है इसलिए मेरा मन संतुष्ट है, तुमने मुझे संतुष्ट किया है मर्यादा का पालन करके। क्योंकि तुम यदि मर्यादा का पालन नहीं करोगे तो और कौन पालन करेगा, कौन शिक्षा देगा जगत को, मर्यादा की शिक्षा कौन देगा। और तुम मर्यादा का आदर्श भी कौन स्थापित करेगा दूसरों के लिए, क्योंकि यद्यत आसरति श्रेष्ठ तत्त एवतरोजना सयत प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। तो श्रेष्ठ व्यक्ति जिस प्रकार आचरण करेगा दूसरे लोग उसका अनुसरण करेंगे। तो यदि सनातन गोस्वामी मर्यादा का पालन नहीं करेंगे तो दूसरे लोग उनका उदाहरण देंगे, सनातन गोस्वामी ने नहीं किया था इसलिए हमने क्या ठीक किया।
और जब सनातन गोस्वामी मर्यादा का पालन कर रहे हैं तो सभी लोग इसे शिक्षा ग्रहण करेंगे कि कैसे अपनी मर्यादा का पालन हर स्थिति में करें। एतवले प्रभु तारे आलिंगन कैल तार कंडुर स प्रभुर श्रियंगे लगेल। तो ये कहकर चैतन्य महाप्रभु ने जब सनातन गोस्वामी का आलिंगन किया, फिर वही बात हुई कि सनातन गोस्वामी के शरीर में जो कंडु रोग था उसमें घाव हो गए थे, रस निकल रहा था, पियो निकल रहा था, वो सब चैतन्य महाप्रभु के शरीर में लग गए। बार बार निषेधे न तबु करे आलिंगन अंगे रस लगे दुख पय सनातन। तो यदि सनातन गोस्वामी ने बार बार चैतन्य महाप्रभु को निषेध किया ऐसा करने के लिए कि मुझे आलिंगन मत करिए, मेरे शरीर में ये कंडु रोग है और ये रस निकल रहा है, पियो निकल रहा है, फिर भी चैतन्य महाप्रभु नहीं मान रहे थे। और जब इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के श्रेयंग में ये लगता था उनके घाव का जो रस है, तो सनातन गोस्वामी को बहुत दुख होता था कि अपने शरीर का ये रस चैतन्य महाप्रभु के शरीर में लग रहा है बार बार, तो बहुत कष्ट पाते थे। ई मते सेवक प्रभु दुहे घर गला हर दिन जगत आनंद सनातन रे मिलला। तो इस प्रकार सेवक और स्वामी, चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी, ये दोनों अपने अपने निवास स्थान पर चले गए। और दूसरे दिन सनातन गोस्वामी से मिलने आए जगदानंद पंडित। अब इनकी बात कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण, जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय। इसका कोई प्रश्न? चर्चा करते हैं इसका एकमात्र कारण है कि हम मर्यादा का लंघन कर रहे हैं। यदि हम श्रेष्ठ भक्तों के आचरण में देखेंगे, युधिष्ठिर महाराज यद्यपि धृतराष्ट्र ने उनके प्रति कितना अन्याय किया है, इतने अन्याय होने पर भी कभी युधिष्ठिर महाराज ने धृतराष्ट्र का दोष देखा है या उनके प्रति सम्मान में कहीं उन्होंने मर्यादा का लंघन किया है सम्मान में, या उनको सम्मान प्रदान नहीं किया है? वो भी कह सकते थे कि ये कैसा हमारा ज्येष्ठ पिताश्री है, हमारे प्रति इतना अन्याय क्या है, ये क्या ज्येष्ठ पिताश्री है, हम क्यों उनका सम्मान करें। वो कह सकते थे ऐसा, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया।
तो यही जो श्रेष्ठ भक्त होते हैं वो दोष नहीं देखते हैं, उनमें दोष होने पर भी, जो ज्येष्ठ हैं उनमें दोष होने पर भी वरिष्ठ में वो नहीं देखते हैं, क्योंकि वो उनका कर्तव्य नहीं है उनका दोष देखना, उनके कर्तव्य हैं उनको सम्मान प्रदर्शन करना, चाहे वो कुछ भी हो, और उनका दोष लेकर वो जाएंगे, हम उनका दोष देखकर क्या करेंगे, हम उनको सुधार सकते हैं ना क्या। इसलिए इस भाव को त्यागना चाहिए कि वरिष्ठ लोग यदि उनमें कोई दोष देखा भी जाता है फिर भी हमारे सम्मान में या आचरण में या मर्यादा में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होनी चाहिए। ये वैष्णव आचरण है और वैष्णव मर्यादा है, और हम उनका दोष देखने लगेंगे, उस पर चर्चा करने लगेंगे, दूसरों से बताने लगेंगे, तो उससे क्या होगा, वो वैष्णव निंदा में आएगा। उनको सुधारने का काम उनके जो हो सकता है समकक्ष या उनसे वरिष्ठ वो करेंगे, वो उनका काम है, हमारा काम नहीं है। जैसे हमसे कोई नीच है, नीच अर्थात कनिष्ठ, कोई कनिष्ठ भक्त हैं, उसमें हम कुछ दोष देखते हैं तो हम सुधार सकते हैं, उसको पास में बुला करके स्नेह के साथ उसको बता सकते हैं, वो हमारा कर्तव्य है, किंतु वरिष्ठों को हम ऐसा नहीं कर सकते। वरिष्ठों को सुधारने का काम हो सकता है कि उनके समकक्ष या उनसे वरिष्ठ लोग कर सकते हैं, इसलिए हम दोष देख के अपने मन में उनके प्रति असम्मान की भावना लाकर हम केवल अपनी भक्ति को नष्ट करेंगे। इसलिए हर भक्त को अपने अपनी मर्यादा में रहना आवश्यक है। कुछ करते नहीं, तो वो उनके वरिष्ठ का काम है, वो अपना ड्यूटी नहीं कर रहे हैं तो वो उनका दोष है, हम अपना ड्यूटी करने के लिए उत्तरदायी है, हमें जो सेवा दी गई है या हमें जो दायित्व दिया गया है उसके लिए हम उत्तरदायी हैं, और जो वरिष्ठ हैं उनको जो दायित्व दिया गया है उसके लिए वो उत्तरदायी हैं, उनके लिए हम उत्तरदायी नहीं हो सकते। यदि वो अपना कर्तव्य निर्वाह नहीं कर रहे हैं तो उनका दोष है, हम उनके लिए क्यों तकलीफ में पड़े जो अपना कार्य नहीं कर रहे हैं, अपने मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं, अपना कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उनका दोष है। हमें जो दायित्व दिया गया है, हमें हमारा जो कर्तव्य है उसका संपादन करना हमारा काम है, हम दूसरों के कार्यक्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो फिर असुविधा उत्पन्न हो जाएगी, वो दूसरों का कार्यक्षेत्र है, जिसको जो दायित्व तो दिया गया है वो पालन नहीं करा है तो उसका जो वरिष्ठ है या उसके अधिकारी हैं ये उनका काम है। हाँ, यदि इस प्रकार हम जैसे मंदिर में हैं और हम देखते हैं कि किसी के दोष के कारण या दायित्व ठीक ढंग से निर्वाह न करने के कारण कुछ मंदिर की असुविधा हो रही है, भक्तों की असुविधा हो रही है, तो हम डायरेक्ट उनको न बोल करके हम उनके जो अधिकारी उनके पास पहुंचा सकते हैं मंदिर की भलाई के लिए,
ये नहीं कि उनकी निंदा कर ली। ये हमारा ध्यान में होना चाहिए कि जैसे वो उनको सुधार सके और मंदिर की स्थिति सुधर सके। ऐसा हो सकता है कि हम जो उनको सुधार सकते हैं उनके पास हम पहुंच कर उनको बता सकते हैं या उनके पास ये समाचार पहुंचा सकते हैं जिससे कि वो सुधार सके उनको और मंदिर की भलाई। किंतु उनसे द्वेष का भाव रख के उनके विरुद्ध में गुस्सा रटना करना और दूसरे भक्तों को बताना, ये सब निंदा में आ जाता है। इसका अर्थ है कि हमें हम सुधारना नहीं चाह रहे हैं किंतु उनके विरुद्ध प्रचार करना चाह रहे हैं, वो निंदा में आता है। यदि हम किसको सुधारना चाहते हैं तो हम उपयुक्त विधि से जानना चाहिए हमें। जो जिस व्यक्ति को हम सुधार नहीं सकते उनको कौन सुधार सकता है? हम उनके पास पहुँच सकते हैं और उनको सुधारने के उद्देश्य से हम कह सकते हैं जिससे कि उनका मंगल होगा, मंदिर का मंगल होगा, भक्तों का मंगल होगा। ये नहीं कि उनसे द्वेष भाव रख के जाकर हम कंप्लेन करें, दूसरों को बताएं, तो उसमें वह निंदा में फिर आएगा। यदि वो सुनने की स्थिति में है, यदि वो सुनने की स्थिति में है, हमारे कहने पर वो बदल जाएंगे तब फिर हम कह सकते हैं। पहले क्षमा मांग लेना अगर ये अनुमति देंगे तब बोलना मर्यादा के अंदर ही होना चाहिए। हरे कृष्ण। क्योंकि जब कभी कभी चैतन्य महाप्रभु के पास भक्त लोग जाते थे, कुछ कहना चाहते थे तो चैतन्य महाप्रभु जान लेते थे कुछ कहना चाह रहे हैं नहीं कह पा रहे हैं, तो पूछते थे। तब भक्त लोग कहते थे आप यदि अभेदन करेंगे तो हम कुछ निवेदन करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते थे ठीक है, यदि हमारे पालन योग्य होगा तो हम उसमें हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो उसी प्रकार यदि हम कुछ कहना चाह रहे हैं तो पहले उनसे अभेदन ले ले। या बुरा नहीं माने, उनसे क्षमा प्रार्थना मांग ले। इससे पता चलेगा कि हम उनकी निंदा करने नहीं कर रहे हैं, उनकी दृष्टि आकर्षित कर रहे हैं कि कुछ सुधार के लिए। और जब निंदा करने की दृष्टि से हम कहेंगे तब तो हम जाकर चार्ज करने लगेंगे आपने ये किया, आपने वो किया, आप तो फिर वो मर्यादा लंघन। हाँ, हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि।